हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है लौकी का भरता। क्योंकि कई लोग जो है लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, उनको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। कई बार बच्चे भी पसंद नहीं करते खाना, तो यदि आप उनको इस तरह से लौकी का भरता बना के खिलाएंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आपको बार बार कह भी सकते हैं कि हमको यही भरता बना के खिलाओ, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आज मैं लौकी का भरता बनाऊंगी, आप देखिएगा मैं इस तरह से बनाती हूँ। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लौकी को काट लेंगे छील के, और काटने के बाद हम एक कुकर में उसे पका लेंगे अच्छे से। जब तक ये लौकी हमारी पकती है तब तक हम आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। ये रहे इंग्रेडिएंट्स। तो फ्रेंड्स, मैंने ये मोटा मोटा दो मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर काटे हुए हैं, और ये प्याज मैंने काटे हुए हैं दो मीडियम साइज़, और चार पाँच कलियाँ लहसुन और अदरक मैंने एक इंच काट के रखा हुआ है, और सब्जी मसाला पाउडर, और यह मस्टर्ड पाउडर, और ये धनिया पाउडर, और हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और यह है साबुत जीरा। तो हमने ये जितने भी हमारे मसाले हैं इनको हमने कुछ भी नहीं करना है, ऐसे रहने देना है। और जो ये कटे हुए हैं टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक, इनका हमने पेस्ट बना लेना है। तो मिलते हैं पेस्ट बनाने के बाद। ये फ्रेंड्स, मैंने इसको मोटा मोटा पीस लिया है, इस तरह से मैंने बहुत बारीक नहीं पीसा, इस तरह से मैंने इसको पीस लिया दरदरा। अब इसमें हम जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिला देते हैं। और फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको नमक और काली मिर्च नहीं बताया है, वो मैं आपको बाद में जब डालते होंगे आप देख लीजिएगा। जो मेरे यहाँ पे पीसे हुए मसाले थे, सब्जी मसाला पाउडर ये मैं डाली, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, इससे पहले मैंने सरसों को पीस के उसका पाउडर डाला था। और मसाले कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नमक भी और मिर्च भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अधिक मसाले पसंद अधिक और कम हो तो कम, ये सब आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो मुझे जैसा पसंद है मैं वैसा बना रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स, अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें मैंने नमक और काली मिर्च नहीं मिलाया है, वो मैं जब सब्ज़ी बनाऊँगी तब मैं मिलाऊँगी। तो फ्रेंड्स, हमारी लौकी पक चुकी है, अब हम इस लौकी को एक बोल में छान लेंगे स्टैंडर की मदद से। हम इसका सिर्फ पानी छान लेंगे, लौकी को मैं छान लेंगे, जो एक तो पानी लौकी में आ जाता है उसे छान लेंगे। तो मैं पूरा छानने के बाद आपको मिलती हूँ। देखिए, मैंने छान लिया और मैं एक जो है मैसर की मदद से मैं इसे मैश कर देती हूँ, थोड़ा सा मैंने मैश करके रख दिया है। और मैं एक दो दाने जीरा इसमें डाल दूँ, जीरा फूल के ऊपर आ चुका है, इसलिए इसका मतलब है कि तेल गर्म हो गया है। मैं इसमें जीरा डाल दूँगी, जीरा भून जाएगा। जीरा भूनने के बाद मैं इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है मसालों का वो मैं इसमें ऐड करूँगी। जीरा भून चुका है, अब मैं इसमें जो पेस्ट मसाले हमने बनाया हुआ है वो डाल दूँगी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स, आप एक बार बनाएंगे तो फिर आप बार बार बनाएंगे सब्जी को, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। मैंने ट्राई किया था, मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि लौकी जो है हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इतनी अच्छी चीज़ को हम यदि किसी न किसी रूप में खा लें तो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फायदा करेगी। अब हम सारे मसाले जो है इसमें इसको सारे मसालों को हम भून लेंगे। और अभी इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, नमक और काली मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी और अच्छे से मिला लूँगी इसे। मसालों को अच्छे से भूनना जरूरी है, वरना मसालों का कच्चापन हमको लगेगा खाने में। कि नमक डाली हूँ मैं जो है नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए मैं इसमें काली मिर्च भी ऐड करूँगी, बस इतना ही करना है। अब हमने सारे इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से, क्योंकि अब सारे मसाले इसमें पड़ चुके हैं, हमें को मसाले कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसको मिला के इसको अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि भूनना ज़रूरी है। और भूनेंगे तब तक जब तक कि इसमें जो तेल है तेल सेपरेट ना होने लगे, जब तेल अलग होने लगेगा तब तक हमने इसको भूनना है। तेल जब ये मसाला तेल छोड़ने लगेगा हमें देखना है, देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा, ध्यान से देख सकते हैं, तेल दिख रहा है बीच में बुलबुले तेल की, ये देखिए यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि ये मसाले भून चुके हैं और ये तले में चिपक भी नहीं रहे। अब ये स्टेज है, इस स्टेज पर हम इसमें जो मैश किया हुआ हमारा लौकी थी बॉईल करके जो हमने मैश किया था उसे हम इसमें मिला लेंगे। इसमें लौकी डालने के बाद हम लौकी को अच्छे से उसमें उसको मसालों में मिला लेंगे। लौकी को देखिए लौकी कितनी अच्छी लग रही है मैश करी हुई, दिखने में बिल्कुल भी पानी नहीं है, और क्योंकि पानी मैंने हटा लिया था, जो हमने लौकी का पानी निकाला आप लोग उसको जो है पी सकते हैं जूस की तरह, बहुत ही अच्छा होता है वो हमारी हेल्थ के लिए। तो आप लौकी के पानी फेंकें ना, या तो उसमें आटा घोटते हैं या फिर उसे पी लें ऐसी, या नमक मिला के पी लें या बिना नमक के, ऐसी आप पी सकते हैं उस पानी को। और देखिए इस तरह से हम सारे मसाले जो है इस वजह से मिला लेंगे। और सारे मसाले मिलाने के बाद हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, जिससे कि उसका पानी थोड़ा सूख जाए। अभी आप मसाले मिलाने के बाद, नमक मिलाने के बाद जो है लौकी में से थोड़ा सा और पानी निकलेगा, ज़्यादा नहीं निकलेगा, थोड़ा सा निकलेगा, हमको थोड़ा सा पानी दिखेगा इसमें, थोड़ी गीली दिखेगी सब्जी। और ये देखिए हल्का हल्का पानी सब दिख रहा है, गीली दिख रही है मतलब। तो इसको पकाना है थोड़ी देर तक और, ताकि थोड़ा सा और इसका जो मॉइस्चर है जो पानी जैसा है वो थोड़ा सा और हो जाए, और मसाले भी अच्छे से सब्जी लौकी के अंदर अच्छे से चले जाएँ, जिससे कि लौकी में अच्छे से मसाले जाएँ तो लौकी अच्छी लगेगी खाने में। तो थोड़ी देर तक हमें इसको और पकाना होगा, एक दो मिनट। मैं एक दो मिनट ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि कई बार जो है आपका बर्तन कैसा है, मोटे लगा या पतले, या फ्लेम आपकी कितनी है। हमने इसको जो है मीडियम फ्लेम पर ही हम ये सब कर रहे हैं, और क्योंकि यदि भारी तले का बर्तन है तो आप कर सकते हैं थोड़ा फ्लेम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हल्के तले में आप लो या मीडियम फ्लेम में रखेंगे तो नीचे से जल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, भरता बनके तैयार है। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया से इसे सजा सकते हैं, नहीं तो वैसे भी खा सकते हैं। मैं इस समय में हरा धनिया नहीं है तो मैं इसे ऐसे ही सर्व करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।